असलम वेलकम बैक टू माई चैनल तो ये वीडियो होने वाला है कट ऑफ के रिगार्डिंग इसमें मैं जो पोस्ट फाइव मार्क डिडक्शन ये वीडियो बनाने वाला हूँ ओपन मेरिट एंड आर बी के कट ऑफ़ के रिगार्डिंग एंड बाकी वीडियोज़ भी मैं जल्दी कोशिश करूँगा बनाने की क्योंकि बहुत डेटा डेटा के बगैर मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता क्यों बच्चे बहुत ज़्यादा मैसेज करते स्टूडेंट्स मेरे भाई बहन तो मसला ये हो जाता है अगर मैं वीडियो बना दूँगा एंड इन द वे कोई फेक होप जगेगा तो वो मैं नहीं करना चाहता हूँ दैट इज़ द रीज़न मैं बहुत ज़्यादा एनालाइज़ करके बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वीडियो बनाना चाहता हूँ तो द थिंग इज़ थैंक यू आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को लाइक करते हो उस चीज़ के लिए तो ये देख लो पिछले साल का कट का ऑफ ये रह चुका है एंड ये वीडियो आप देख देखना मे बी अगर आप एंड तक ये वीडियो देखोगे तो आपको एनालाइज करके समझ आ जाएगा एंड आपके दिमाग में ना कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे क्योंकि डाउट्स एट टिल एंड ऑफ़ द वीडियो ख़त्म हो जाएंगे तो शुरू करते हैं ये रह रहा है पिछले साल का कट ऑफ एंड दिस इज़ द एक्सपेक्टेड सीट मैट्रिक्स लाइक वन ज़ीरो टू वन सीट्स टोटल फॉर जे एंड के वन फार लद्दाख एंड नाइन हंड्रेड एट्टी एंड उसमें से कैटेगरीज़ की जाएगी फोर हंड्रेड एटी नाइन सीट्स के बाद फोर नाइन्टी वन सीट्स बचेगी इंक्लूडिंग ई डब्ल्यू एस तो उसमें से पिछले साल के हिसाब से पंद्रह पॉइंट टू फाइव सीट्स ई डब्ल्यूज़ को जाएंगे दैट इज़ सेवेंटी फ़ाइव फिर फोर सिक्सटीन सीट्स बढ़ जाएगी फोर्टी हॉर्जेंटल को थ्री सेवेंटी सिक्स सीट्स रहेगी तो वन हंड्रेड एट्टी एट बॉयज़ वन हंड्रेड एटी एट गर्ल्स तो रहना ऐसे ही चाहिए मसला ये है कि मेरे ख्याल से जब हम नाइन एटी का टेन परसेंट देखते हैं तो नाइनटी एट सीट्स जाएंगी आर बी को तो उसी के हिसाब से आप देख सकते हो कि टेन परसेंट के हिसाब से दस सीट्स हम रखते हैं हॉर्जेंटल को फोर सीट्स पी डब्ल्यू को एंड वैसी और उसी हिसाब से आप ये देख लो कि जब हम वो माइंड करेंगे तो 88 एट सीट्स बचेंगे और 88 एट सीट्स में 44 44 फोर्टी फोर आर बी ए बॉयज़ एंड आर बी ए गर्ल्स तो यही रहना चाहिए बाकी जे के बी पी तक है और आई होप कि 185 हंड्रेड एट्टी फाइव सीट्स से प्लस ही हो ओपन मेरिट में भी ताकि थोड़ा अच्छे से ये रिजनेबली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए 185 हंड्रेड एट्टी फाइव टू वन हंड्रेड नाइन्टी के बीच में सीट्स रहने वाले मेरे ख़्याल से तो हम आगे चलते हैं तो देखो जो मैंने काट ऑफ बताया तो एवरेज स्टूडेंट्स पर पॉइंट जो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल ये रूल सेवनटीन जब लगा ना ओपन मेरिट का कट ऑफ हुआ ओपन मेरिट के कट ऑफ में ही जो बाकी कैटेगरी वाले बच्चे भी आ गए एक्सक्लूडिंग ई डब्ल्यू एस क्योंकि ई डब्ल्यू एस में रूल सेवनटीन नहीं लगता है तो मस, मसला है, ऐसा है जब आर बी ए वाले बच्चे चले गए इसमें क्योंकि ई डब्ल्यू एस वाली सीट भी ओपन मेरिट से उठाई जाती तो मसला ऐसा है जब ये वन पॉइंट सुनो 1.9 पॉइंट एक 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 मार्क पे 1.9 बॉय था एंड एक एक मार्क के बाद एक लड़की थी तो आपको ऐसे समझ आएगा 538 हुआ था गर्ल्स का ऑफ तो आप देख लो कि 491 तो ऐसे आप कैलकुलेट करो कि एक एक मार्क पे एक एक लड़की थी लगभग तो ऐसे ही इनके बीच में कट ऑफ डिफरेंस है 24 तो एक एक मार्क पे 1.9 1.9 लड़का था तो ऐसे अब अगर हम देखेंगे इस साल बता रहे हैं कि बहुत सारे आर वाले बच्चों को आ, मिली है एस क्योंकि एस पहाड़ी इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब एक फुल इलाके में दे दी है तो उसमें भी आर थे ऊपर मेरिट वाले भी थे ए वाले भी थे आज के पास दो दो कैटेगरीज़ है पी एस वालों को तो ऑलरेडी मिली है तो आप ऐसे देख लो कि ऐसे ही कैटेगरीज़ हैं इस हिसाब से जो चीज़ें रही थी एंड इस हिसाब से आप खुद भी थोड़ा कैलकुलेट करने की ट्राई कर सकते हैं ये वाला लिस्ट देख के तो वन हंड तो उस हिसाब से तो कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है आर का एंड बट द थिंग इज़ जिस हिसाब से एनालिस्ट एनालाइज जो करते हैं बंदे और एक्सपर्ट्स है मैं मैंने भी ट्राई किया खुद एनालाइज करने के एंड बहुत सारों से पूछा भी तो उनसे पूछ के ये डेटा कलेक्ट किया एंड मैंने गूगल फॉर्म से एक डाला था तो इस हिसाब से जो रिज़ल्ट आया है आप देख देख लो एक गूगल फॉर्म्स का तो इस हिसाब से फिफ्टी टू लड़कियाँ है इस फिफ्टी टू टोटल बच्चे हैं फाइव हंड्रेड प्लस इसमें से थर्टी लड़कियां है ट्वेंटी टू लड़के तो आप देख लो मैं आपको समझाता हूँ हाँ। देखो 500 फाइव हंड्रेड प्लस हम देखते हैं फाइव हंड्रेड थर्टी से फाइव हंड्रेड थर्टी से ज़्यादा हम देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी एक सेकेंड मैं देखता हूँ एक सेकेंड सॉरी सॉरी फॉर द डिले नाइनटीन बच्चे तो नाइन्टीन बच्चे इस रेंज में फाइव हंड्रेड थर्टी से प्लस नाइन्टीन वन ट्वेंटी 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 वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर फीमेल्स है फाइव हंड्रेड थर्टी प्लस और इसमें से जो है वन टू थ्री फोर फोर लड़कियाँ हैं जो इसमें रूल सेवनटीन में आ जाएगी मे बी स... क्योंकि सिक्स हंड्रेड फाइव सिक्स हंड्रेड फाइव से ये ऊपर स्कोर वाली है तो अब देख लो ट्वेंटी बच्चियाँ है जो इस लिस्ट में आ रही है फाइव हंड्रेड थर्टी प्लस क्योंकि जो एक्जाम है जो मार्क है जो स्टार्ट पॉइंट है वो हमने फाइव थर्टी मार लिया है एंड उसी हिसाब से कट ऑफ कैलकुलेट किया है तो देखो फाइव थर्टी थर्टी से ज़्यादा कितनी बच्चे आ रही है ट्वेंटी ट्वेंटी बच्चे आ रही है एंड ये ये मेरे पास लिस्ट है तो ऑबियसली मैं ऐसे करता हूँ काम एक बच्ची ने भी मेरे को ये स्टूडेंट ने डेटा दिया एंड थैंक यू फॉर दैट डेटा तो मैं मैं जो करता हूँ क्योंकि बहुत फेक रेस्पॉन्स आ रहे तो थे तो मैंने एक चीज़ की मैंने सोचा कि मैं ऐसे लिस्ट बनाऊँगा कि फेक रेस्पॉन्स ना आए तो इसीलिए मैंने जो स्कोर कार्ड भी मांगा था मैं और उस फॉर्म की लिंक डालूंगा क्योंकि रिज़ल्ट चेंज भी हुआ है मे बी इसमें से इधर उधर एक दो मार्क्स हो बट मोस्ट ऑफ द डेटा इज अपडेटेड तो आप देख लो 530 प्लस 20 लड़कियाँ हैं तो मेरे पास 20 बच्चियों का रिज़ल्ट है तो टोटल सीट्स है 44 तो हम हम कंसिडर कर सकते हैं कि 24 लड़की 24 से ज़्यादा लड़कियाँ हो जितना मेरे से हो उससे लगभग लग थर्टी टू टू थर्टी थ्री मतलब ऐसे ट्वेंटी फोर से थोड़ा ज़्यादा ही होंगी तो आप कंसिडर कर लो ये ये सारा कुछ कंसिडर करके एंड पिछले साल का जो आ, पिछले साल का जो कट ऑफ कट ऑफ रहा है लड़कियों का पिछले साल का कट ऑफ रैंक है पिछले साल का कट ऑफ रैंक रहा है थर्टीन हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर आ, थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी फोर के हिसाब से 576 बट इतना हाई तो मेरे ख्याल से नहीं जाएगा एंड जितने एक्सपर्ट्स भी वो बता रहे हैं तो क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज़ मिली है और आर में हाई स्कोरिंग बच्चे जो है रोल सेवेंटीन में एडजस्ट हो जाते हैं तो उस हिसाब से जब ये डेटा देखते हैं तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि आर बी फीमेल का काटॉफ फाइव हंड्रेड थर्टी फाइव प्लस माइनस फाइव जाएगा मे बी ज़्यादा भी जा सकता है बट आप थोड़ा होप आप रखो एंड ऑबियसली ह्यूमन मिस्टेक्स हो 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 जाती है मैं ना मैं सीरियसली मतलब ये वीडियो बनाने से थोड़ा कतरा रहा था क्योंकि ये मसला ये है कि आई डोंट मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था किसी बच्चे को ऑनफेक ओप नहीं देना चाहता था बट स्टिल मैंने एनालाइज़ किए एंड एनालाइज करके हर सब के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैंने बनाई है तो आप सेम सेम देख सकते हो अरबी बॉयज़ जो है अरबी uh, बॉयज़ टोटल आ रहे हैं इसमें ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू आ रहे हैं और नाइनटीन बच्चे आ रहे सिक्स हंड्रेड प्लस 19 बच्चे आ रहे हैं सिक्स हंड्रेड प्लस तो नाइनटीन बच्चे जो सिक्स हंड्रेड प्लस आ रहे हैं उनमें से एक दो एक एक दो बच्चे जाएंगे उसमें से तो मान लो कि आप अठारह अठारह से तो ज़्यादा आएंगे टू 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 थ्री टाइम्स भी हो सकता है तो आप मान के चलो कि फोर्टी फोर ऐसे तो सिक्स हंड्रेड फाइव तो आप मान के चलो कि आर का कट ऑफ सिक्स टू सिक्स जाएगा तो ये एक आजम्पन है क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं होता है एंड अगर डायरेक्ट रिस्पॉन्स मैं डाल देता हूँ तो बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें भी भर लेते हैं तो दैट्स अ रीज़न इतना सब कुछ एनालाइज़ करके मैं ये बता रहा हूँ तो हम अब जाते हैं आर के कट ऑफ़ पे आर का कट ऑफ हमारे पास आ जाता है ये फ, आर बी बॉयज़ के लिए 605 हंड्रेड टू सिक्स के दरमियान और आर बी गर्ल्स के लिए 635 प्लस माइनस फाइव होप प्लीज कट ऑफ से नीचे ही जाएगा कट ऑफ एंड मैं होप करता हूँ कि सारे बच्चे हमारे मेडिकल कॉलेज पहुँच जाए जो डिजर्व करते हैं एंड होपली दूसरे साल से ये कीस ना हो जो स्ट्रेस इस सार रहे तो उस हिसाब से मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ अब हम ओपन मेरिट के कट ऑफ पे जाते हैं क्योंकि जब भाई मार्क डिडक्ट हुए इससे पहले मैंने वीडियो बत, बनाया था तो उस टाइम नहीं हुए थे वो डिडक्ट तो आप देख लो एक सेकेंड जो पिछले साल का कट का ऑफ था वो 294 रैंक के अराउंड हुआ था तो हम 294 रैंक के अराउंड चलते हैं 294 रैंक के अराउंड हम चलते हैं एक सेकेंड गाइज टू नाइन्टी फोर रैंक के अराउंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी एट मार्क्स आते हैं तो आप देख लो सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फोर के सिक्स हंड्रेड फोर्टी एट के अराउंड मार्क्स आते हैं तो आप सोचो फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्स हंड्रेड फोर्टी एट जिसके अगर उसके माइनस फाइव हो गए तो सिक्स हंड्रेड फोर्टी एट माइनस फाइव आप बोलोगे कि आप लास्ट ईयर का कट का ऑफ ही क्यों ले रहे हो सीट्स डिक्रीज भी हुए तो लास्ट ईयर का कट ऑफ लेने का ये रीज़न है क्योंकि आदू के पास सपोर्ट्स हैं या आदू के पास कुछ कोई और हॉरिजेंटल वाली कैटेगरी है जो इस स्कोर से ऊपर आ रहा है तो उनमें रोल सेवेंटीन नहीं लगेगा एंड कॉम्पनसेट होगा एंड होपफुली बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें इस साल ए आई में पार्टिसिपेट करेंगे तो मेरे ख्याल से अगर किसी को मतलब हम ऐसे प्रायोरिटी में लेते हैं कि अनंतनाग और बारामूला इज़ ग्रेटर देन राजौरी तो मे वी अगर किसी को स्टेट से राजौरी मिलेगा बट उसको ए के थ्रू अनंतनाग भी मिल सकता है वो चांसेस भी नज़र आ रहे हैं तो आप अगर 648 हंड्रेड माइनस फाइव करोगे तो मैंने आपको बताया था कि शायद 84 के करीब सीट्स है ए आई क्यू में जनरल की एंड बाकी कैटेगरीज की ओबीसी, ओबीसी की आप भी देख सकते हो अपनी अपनी कैटेगरीज़ का कट ऑफ आप काम कर सकते हो तो आप देख लो अगर आप सारे जाओगे ना ए में जिनके भी मेरे ख्याल से सिक्स प्लस आ रहे हैं 650, 655 प्लस जिन जिनके भी आ रहे हैं वो अगर ए आई में जाएंगे ना तो कट ऑफ काम होगा आपका कोई नुकसान नहीं है जहाँ से आपको बेटर कॉलेज मिले वहाँ से आप ले लो क्योंकि ये ओवरऑल बच्चों के लिए बेटर होगा तो ये अगर आप ए में जाओगे तो कट ऑफ इससे कम होगा एंड मैं आई मैं, मैं होप करता हूँ कि सारे डिजर्विंग बच्चे जे के कॉलेज में जे -के, के बच्चे ही ज़्यादा जाए क्योंकि नॉट लाइक इन अदर सेंस मैं इस सेंस में बता रहा हूँ कि क्योंकि सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज पहुँचने चाहिए बहुत सारे ज़्यादा बच्चों ने मेहनत की है तो आप देखो सिक्स हंड्रेड फोर्टी एट माइनस फाइव अगर हम देखते हैं तो सिक्स हंड्रेड फोर्टी थ्री तो मैं नहीं बता रहा हूँ कि सिक्स हंड्रेड फोर्टी थ्री होगा तो मैं बता रहा हूँ ऐसे तो नौ बच्चे शायद आ रहे थे सिक्स हंड्रेड फोर्टी एट के रेंज में नौ दस बच्चे तो आप देख लो सिक्स हंड्रेड फोर्टी थ्री तो ये यही रहेगाट ऑफ सिक्स हंड्रेड फोर्टी थ्री टू सिक्स हंड्रेड फोर्टी एट के बीच में ए आई के पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे एंड आई होप या क्यों हो इस साल तो अब मैं फीमेल्स का भी बताता हूँ ये है पहले आप देख लो फीमेल्स का दिखा रहा है ये लगभग सिक्स हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड एट और बॉयज़ का दिखा रहा है सिक्स हंड्रेड फोर्टी थ्री टू सिक्स हंड्रेड फोर्टी एट एसकॉम्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट है एसकॉम्स का दिखा रहा है ये एसकॉम्स के लिए लगभग आप मान लो कि जनरल बच्चों के लिए जो ओपन मेरिड बच्चों को लगभग फिफ्टी फाइव सीट्स मिल जाती है और पी एंड बी को मिल जाती है पी एंड बी को मिल जाती है प, पन, पी एंड बी को मिल जाती है दस फिफ्टी फाइव जनरल को पी एंड बी को दस एंड आप मान के चलो कि मान के चलो नहीं कि पच्चीस मिल जाती है हिंदू माइनॉरिटी को और फिर दस एन आर आई के लिए बचती है तो आप देख लो सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फोर से लेके सिक्स हंड्रेड थर्टी तक एस कॉम्स का जा रहा है ओपन मेरिट सिक्स हंड्रेड थर्टी टू टू सिक्स हंड्रेड थर्टी एट जा रहा है एन बी का एंड हिंदू माइनारटी का जा रहा है फाइव हंड्रेड नाइन्टी फोर टू फाइव सिक्स हंड्रेड फाइव नाइन्टी फोर प्लस जा रहा है होपफुली कट ऑफ इससे कम हो एंड ये सब आप तक है आप जितने ए आई क्यू में पार्टिसिपेशन करोगे एट्टी प्लस सीट से जनरल के लिए ताकि आपको मैं आपको बताता हूँ आपको स्टेट में लोअर कॉलेज मिल सकता है बट आपको ए आई क्यू में ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिलेगा बेटर कॉलेज आप अपनी प्रेफरेंस आप ये नहीं है कि आपके एक स्कोर कम आ रहा है कि आप ऐसे प्रेफरेंस भर लोगे लोअर कॉलेज पर जो भी आपकी प्रेफरेंस है आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ए आई क्यू में भी भरो और स्टेट कोटा में भी अगर स्टेट कोटा में और ए आई क्यू में सेम ही अच्छा कॉलेज मिलता है तो ए आई क्यू के थ्रू ले लो तो आपका कोई नुकसान नहीं है उसमें एंड जो उसमें शायद आधी फीस भी होती है वो वो ना ट्यूशन फीस में एडजस्ट हो, हो जाती है एडमिशन फीस में कॉलेज के तो आप उसकी टेंशन मत लो एंड आप इंस्टाग्राम पे मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो एंड होपफुली कट ऑफ रिड्यूस होगा एंड होपफुली इसमें ह्यूमन हो एरर्स बहुत कम होंगे एंड इससे कम ही कट ऑफ जाएगा एंड बेस्ट ऑफ लक और मैं रिपीट करता हूँ ये बहुत बार बात कि एक एग्ज़ाम के बेसिस पर अपने आप को जज मत करो योर लाइफ इज़ बिगर दैन एनी एग्ज़ाम सो बेस्ट ऑफ लक डोंट वरी अल्लाह हाफ फियामान